चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा मुझे? मैं नॉर्मल बनाता हूं आपको, क्या नॉर्मल बनाते हैं हम पहले, ऐसा पढ़ा था हमने कुछ। ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोग्राफ, नॉर्मल हाइड्रोग्राफ। ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या सीख लिया? बेस फ्लो को सेपरेट करना सीख लिया। इसके नीचे का पार्ट क्या होता था? ये होता था बेस फ्लो। ठीक है, और ऊपर का पार्ट क्या होता है? रन ऑफ। ठीक है, सरफेस रन ऑफ या फिर रन ऑफ। तो इसका नाम क्या है? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये किसके बीच होगा? ये होगा रन ऑफ डिस्चार्ज, रन ऑफ डिस्चार्ज जो कि होगा किसमें? मीटर क्यूब पर सेकंड में, और नीचे होगा टाइम, ये होगा आवर्स में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ को जब आप बेस फ्लो इसका सेपरेट कर देते हो, मतलब इसका बेस फ्लो हटा देते हो। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसका बेस फ्लो हटा दिया। कैसे हटाया? वो तीन मेथड जो मैंने आपको पहले बताई थी उससे हटा दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ अब मेरे पास जो बचा है उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, मैंने क्या किया, बेस फ्लो हटा दिया, सिर्फ क्या बचा? मैक्सिमम रन ऑफ का पोर्शन। ठीक है, बेस फ्लो जब हटा देते हो आप किससे? स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज। तो फिर मुझे क्या पता चला, यहां लिख देता हूं टाइम, ठीक है, इन आवर्स। तो मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे ऑर्डिनेट्स चाहिए किसके? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ऑर्डिनेट्स मतलब कि इस टाइम पे, मान लो यहां कुछ टाइम हो रहा है 0 1, यहां मान लेते हैं 1, ठीक है 2 3 4 5। ठीक है, ये कुछ टाइम दिए हुए हैं, यहां पे कवर हो गया शायद, चलो अब दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया 2, यहां हो गया 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है, हमने ऐसा टाइम भी लिख लिया। इसको हटा देते हैं और अच्छे से दिखे आपको, ताकि है ना, चलो 2 3 4 टाइम आवर्स। ठीक है, अब अगर मुझे चाहिए कि ऑर्डिनेट सेकेंड आवर में कितना था ग्राफ में, थर्ड आवर में कितना था, तो कैसे निकालूंगा? अगर मेरे पास स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ है और बेस फ्लो है तो मैं इसके ऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकता हूं। क्या करूंगा मैं लिखूंगा ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, चलो अब इसके ऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपल, मैंने बताया कि हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे मिलता है। हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट से बेस फ्लो को माइनस करके मिल जाता है, क्योंकि हमने क्या किया था, सिर्फ बेस फ्लो को माइनस किया था। तो मैं लिख सकता हूं ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ DRH। जैसे अगर इसका ऑर्डिनेट मान लो सेकेंड आवर में ही फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स था 65 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज था। ठीक है, माइनस बेस फ्लो था 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, तो
तो बताओ कि इसका ऑर्डिनेट ऑफ DRH क्या हो जाएगा, 65 माइनस 12, 53 मीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब 12 मीटर क्यूब रिवर का अपना फ्लो था जो उसका पहले से था, अगर बारिश नहीं भी होती तो भी वो 12 मीटर क्यूब पर सेकंड चलता, ठीक है। लेकिन बारिश के कारण कितना जनरेट हो गया, एक्स्ट्रा 63 सेकेंड आवर में, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा 53। तो टोटल ऑर्डिनेट फ्लड हाइड्रोग्राफ का हो गया 65। ये एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप DRH का ऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और चीज कि हाँ भाई ये एरिया ऑफ DRH क्या बताएगा मुझे, ये जो पूरा एरिया है इस फ्लड हाइड्रोग्राफ का, सॉरी ये DRH का, ये मुझे क्या बताएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ DRH, एरिया ऑफ DRH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन टाइम लिख दे रहा हूं मैं, है ना, इनटू टाइम, ठीक है, ये भी टाइम है वो भी टाइम है, टाइम टाइम कैंसल, यूनिट क्या बचा, मीटर क्यूब। तो एरिया ऑफ दिस कर्व विल रिप्रेजेंट मीटर क्यूब यूनिट, मतलब मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ DRH मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ DRH या एरिया अंडर DRH कर्व इज इक्वल्स टू क्या बताएगा ये मुझे, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, क्या बताएगा ये मुझे, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, क्लियर है। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे, एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको ट्रायंगल शेप का मिल गया तो बहुत सिंपल है, कैसे निकाल लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर आपको ऐसा मिल गया कोई कर्व, ठीक है, DRH ऐसा कुछ मिल गया, तो आप कैसे निकालोगे इसका एरिया, ठीक है। मान लो ये ऑर्डिनेट O1 है, ये O2 है, O3 है, O4 है, O5 है, और सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है कितना, डेल टी का, ठीक है, सबके बीच में कितना डिस्टेंस है, डेल टी टाइम का, क्योंकि नीचे क्या है इसके, टाइम है ना, नीचे क्या है, टाइम है, मतलब इक्वल इंटरवल है अगर सबके बीच में, और यहां पे क्या होगा, रन ऑफ डिस्चार्ज, रन ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, रन ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है। अब क्या है, ऑर्डिनेट्स अगर ऐसे हैं, ट्रायंगल है तो सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट कर दो, एरिया आ जाएगा, एरिया आ गया मतलब वो क्या बता रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है। अब इस केस में आप कैसे निकालोगे एरिया, इस केस में एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप ट्रेपेजॉइडल मेथड लगा लो, है ना, सिंपल, या तो आप क्या करो, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू, कैसे निकालूंगा मैं देखना, एरिया ऑफ DRH, इसके बाद एक प्रॉब्लम भी करवाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ DRH इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू डेल टी टाइम, ठीक है, क्या कर लेंगे हम, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब आप क्या कर लोगे, O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस O4 प्लस O5 इंटू डेल टी जो भी होगा, ठीक है। तो ये क्या बताएगा मुझे, एरिया ऑफ DRH, और यही किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ DRH, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ठीक है, ये एरिया किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि हाँ अगर DRH का एरिया आ गया मेरे पास, ठीक है, जो कि क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, और अगर कैचमेंट भी आ गया तो मैं रन ऑफ की डेप्थ बता सकता हूँ, है ना, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू रन ऑफ डेप्थ। अच्छा चलो पहले बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, एक बेसिक देखा बताता हूँ मैं आपको पहले, जो मैंने आपको इनिशियल रेनफॉल में भी बताया था, क्या था बेसिक, बेसिक ये था कि जब भी वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम, तो हम क्या करते हैं, एरिया इनटू, सॉरी, क्या करते हैं हम, एरिया
मल्टीप्लाई विथ डेप्थ। ठीक है, अब मैंने ये जगह क्यों छोड़ी है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इन टू डेप्थ, है ना। तो ये कौन सी वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट का एरिया मल्टीप्लाई विथ रन ऑफ डेप्थ। ठीक है, अब यहां पे अगर मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, कैचमेंट का एरिया भी नहीं है और रन ऑफ डेप्थ भी नहीं है, तो कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर कैचमेंट का एरिया है, एक चीज तो होनी चाहिए, कैचमेंट का एरिया है मेरे पास, ना रन ऑफ डेप्थ है ना वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है, लेकिन मेरे पास ये डी आर एच गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, इस डी आर एच का एरिया निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इन टू डेल टी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ मैंने अभी आपको बताया ना कि एरिया ऑफ डी आर एच कैसे हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर दूंगा, कैचमेंट एरिया है मेरे पास तो रन ऑफ डेप्थ कैसे निकालूंगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैचमेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ अपॉन कैचमेंट एरिया। ठीक है, आपको अभी सिंपल लग रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत काम आएगा यही आपके। ठीक है, रन ऑफ एरिया है ना, तो इसको सिंपल में ना लें या ढील ना दें, इसमें ध्यान से देखें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ अपॉन कैचमेंट एरिया क्या बता देगा, रन ऑफ डेप्थ। और मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ये वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके बराबर है, एरिया ऑफ डी आर एच, तो मैं निकाल सकता हूं रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू क्या कर सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी आर एच, एरिया ऑफ डी आर एच अपॉन कैचमेंट एरिया। ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, अब बोलोगे एरिया एरिया दोनों डिवाइड हो रहा है, लेकिन एरिया ऑफ डी आर एच एरिया नहीं बताता है, क्या बताता है, एरिया ऑफ डी आर एच बताता है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ही है, लेकिन मैंने उसको लिख दिया है एरिया ऑफ डी आर एच ताकि आपको निकालना आसान हो जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया रन ऑफ डेप्थ का, अगर आप डी आर एच से बना रहे हो। सेकेंड, आप रन ऑफ डेप्थ कैसे निकाल सकते हो, कई बार क्वेश्चन में घुमा के आ जाता है, हमने देखा था रन ऑफ डेप्थ हम फाई इंडेक्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, है ना। फाई इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, जो हमने प्रीवियस कुछ लेसन में देखा था, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए थे मैंने आपको इससे रिलेटेड, तो आपको तो रट जाना चाहिए फॉर्मूला, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टी ई। पी क्या है, प्रेसिपिटेशन, आर क्या है, रन ऑफ डेप्थ, है ना, डेप्थ में लेते हैं हम इसको। तो अगर यहां से मेरे को रन ऑफ डेप्थ निकालना है, रन ऑफ डेप्थ, कई बार आपको क्वेश्चन में फाई इंडेक्स दे देगा, ठीक है, और वहां से आपको रन ऑफ डेप्थ निकालनी पड़ेगी और एरिया से एरिया निकालना पड़ेगा, कैचमेंट एरिया। क्या होता है, कई बार आपको तीनों चीज नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन मुझे ये डाटा गिवन है कि फाई इंडेक्स है, पी है, पी भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से रन ऑफ की डेप्थ निकालूंगा, एरिया ऑफ डी आर एच से वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ निकालूंगा, और फिर दोनों की हेल्प से मैं कैचमेंट एरिया इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू पी माइनस फाई इंडेक्स, पी माइनस फाई इंडेक्स इन टू टीई। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है रन ऑफ डेप्थ निकालने का, जब ना आपको एरिया गिवन हो और ना आपको कैचमेंट, जो सॉरी, ना आपको एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ गिवन हो और ना कैचमेंट एरिया गिवन हो, तो आप कैसे निकालोगे, फाई इंडेक्स की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एक और चीज देखते हैं, फिर आपको एक साथ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए डी आर एच, आई होप क्लियर हो पूरा आपको, है ना, इतना काफी है थ्योरी इसके लिए, इसके फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब डी आर एच क्लियर है, नेक्स्ट हम देखते हैं ई आर एच, इफेक्टिव
इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, इसको हम बोलते हैं ई आर एच। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ई आर एच, ठीक है। अब ये क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि हाइटोग्राफ किस किस के बीच में बनता है, जल्दी सोचेंगे, हाइटोग्राफ किस किस के बीच में बनता है। शुरू में बताया था हाइटोग्राफ बनता है इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल और टाइम के बीच का कर्व, ठीक है। हाइटोग्राफ क्या होता है? इंटेंसिटी और किसकी इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का कर्व, शुरू में बताया था, है ना, भूलते नहीं जाना है, पीछे से आगे सब याद होता जा रहा है, पीछे सब जाता जा रहा है, रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है। क्या यूनिट होता है इसका? रेनफॉल इंटेंसिटी पहले ही समझाया था, सेंटीमीटर पर आवर, है ना, या पर डे, कुछ भी ले सकते हो। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर अपॉन टाइम, ठीक है, सेंटीमीटर या एमएम, कुछ भी, ठीक है। कैसे बनेगा ये? बार ग्राफ के चार्ट में बनता है। कैसे बनता है? बार ग्राफ के चार्ट में, हमने पहले बनाया भी था। मान लो कुछ बना है कुछ ऐसा, 1 2 3 4, नीचे ले लेते हैं टाइम, है ना, 1:12, 1 2 3 4 5, नॉर्मल बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे मान लो पहले एक घंटे इंटेंसिटी कितनी थी? 3 थी मान लो, ठीक है, पहले एक घंटे इंटेंसिटी कितनी थी? 3 थी मान लेते हैं हम, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में कितनी थी? नेक्स्ट में मान लो हो गई 4, ठीक है, नेक्स्ट आवर कितनी हो गई? 4। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए अच्छे से बना लेते हैं पहले एक बार, फिर अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? सेकेंड आवर में हो गई इंटेंसिटी 4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड आवर में कितनी हो जाएगी, थर्ड आवर में मान लेते हैं 2 हो गई, ठीक है, फुल चेंज हो रहा है एकदम, है 2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आवर में हो गई 1, या फिर वापस से 3 हो गई मान लो, ठीक है, वापस से हो गई 3, नेक्स्ट आवर में हो गई 1, ठीक है। ये कुछ मिल गया मुझे क्या? हाइटोग्राफ नॉर्मल, अभी मैं इसको ERH नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये मिल गया मुझे हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ किस किसके बीच बनता है? इंटेंसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्या होता है फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स होता है इनफिल्ट्रेशन, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, है ना। तो मान लो फाई इंडेक्स कुछ ऐसा आ रहा है, मान लेते हैं फाई इंडेक्स आ रहा है 1.5, ठीक है, फाई इंडेक्स कितना आ रहा है? 1.5, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, 1.5 आ रहा है, ये है फाई इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया था फाई इंडेक्स के नीचे क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन, और ऊपर क्या होता है? रन ऑफ। तो यहां पे सब जगह क्या होगा? रन ऑफ होगा, है ना, और इस वाले में रन ऑफ नहीं होगा, नीचे में क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, क्लियर है। फाई इंडेक्स के नीचे होता है इनफिल्ट्रेशन, फाई इंडेक्स के ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है? रन ऑफ। तो मुझे क्या बनाना है? इफेक्टिव रेन हाइटोग्राफ। तो मैं इफेक्टिव रेन किसका नाम है बताया था आपको, रन ऑफ के भी 2-3 नाम होते हैं, क्या होते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल, रेनफॉल एक्सिस, एक्सिस रेनफॉल, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे बनाना है इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जो ये फाई इंडेक्स वाला पोर्शन है, जैसे उसमें जब हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइटोग्राफ बनाना था ये वाला, ठीक है, तो हमने क्या किया था? बेस फ्लो को माइनस कर दिया था, हमको सिर्फ क्या चाहिए था? रन ऑफ। तो इस केस में क्या करेंगे हम? यहां पे भी हमको क्या चाहिए? इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, या इसको बोल सकते हो आप रन ऑफ हाइटोग्राफ। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको नीचे से हटा दूंगा, इसको नीचे से हटा दूंगा। तो अब जो मुझे हाइटोग्राफ मिलेगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा मेरा ERH। क्या कहलाएगा ये? ERH।
नीचे होगा टाइम, ये क्या कहलाएगा, ये रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं कहलाएगी, अब ये क्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगी रन ऑफ इंटेंसिटी। तो आपने देखा कैसे हाइटोग्राफ, रेनफॉल हाइटोग्राफ कैसे कन्वर्ट हो जाता है इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ में, जब आप उससे क्या करते हो इन्फिल्ट्रेशन को माइनस कर देते हो और सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ बचता है आपके पास रन ऑफ। ठीक है, चलो तो अब इसका कर्व अगर हम ये इसका एरिया लेंगे, सबका एरिया ऐड करेंगे तो वो क्या बताएगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या यूनिट मिल रहा है हमको देखते हैं, एक्स एक्सिस में है सेंटीमीटर पर आवर और वाई एक्सिस में कितना है, सॉरी एक्स एक्सिस में है आवर और वाई एक्सिस में क्या है सेंटीमीटर पर आवर, तो आवर आवर कैंसल, क्या बचा सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इस कर्व का या इस ग्राफ का एरिया लेता हूं तो वो मुझे क्या बताएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व विल रिप्रेजेंट विच यूनिट सेंटीमीटर, मींस एरिया ऑफ हाइटोग्राफ, सॉरी एरिया ऑफ ई आर एच, एरिया ऑफ ई आर एच विल रिप्रेजेंट विच यूनिट सेंटीमीटर, मतलब क्या बता सकता है, ये बता रहा है मुझे रन ऑफ की डेप्थ। ठीक है, टोटल रन ऑफ डेप्थ, एरिया ऑफ ई आर एच विल रिप्रेजेंट टोटल रन ऑफ डेप्थ, टोटल रन ऑफ डेप्थ, क्लियर है, सेंटीमीटर में होती ना डेप्थ, तो एरिया ऑफ ई आर एच क्या बता रहा है टोटल रन ऑफ डेप्थ, कि हाँ भाई इतना डेप्थ का रन ऑफ हुआ होगा। ठीक है, और हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ डी आर एच क्या बता रहा था, इतने बार बता चुका हूं मैं, अभी तक याद हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ डी आर एच क्या बता रहा है हमको, एरिया ऑफ डी आर एच यूनिट क्या था, मीटर क्यूब इंटू, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, क्या बचा मीटर क्यूब, ये बताता है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ये बताता है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू कैचमेंट एरिया इंटू रन ऑफ डेप्थ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ डी आर एच, और रन ऑफ डेप्थ किसके बराबर हो गई, एरिया ऑफ ई आर एच। तो मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा, कि एरिया ऑफ डी आर एच इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, या फिर एरिया ऑफ डी आर एच, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इनटू, इनटू किससे करते थे हम, रन ऑफ डेप्थ है ना, वहां पे जो लिखा हुआ है रन ऑफ डेप्थ। अब देखो मैं एरिया ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ को एरिया ऑफ डी आर एच, है ना, पहले बताया था मैंने आपको, इसको लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ डी आर एच एंड कैचमेंट एरिया को तो मैं कैचमेंट एरिया ही लिखूंगा सी ए, इंटू रन ऑफ डेप्थ को मैं क्या लिख सकता हूं एरिया ऑफ ई आर एच, एरिया ऑफ ई आर एच, क्लियर है, कैसे मैंने एरिया ऑफ ई आर एच को किसके बराबर बताया आपको टोटल रन ऑफ डेप्थ के, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 3.8 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर अकरिंग ऑन टू कॉन्जिक्यूटिव 4 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो बारिश हुई है चार चार घंटे के ड्यूरेशन में, कितनी कितनी हुई है 3.8 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन अ कैचमेंट ऑफ एरिया 27 किलोमीटर स्क्वायर प्रोड्यूस द फॉलोइंग रन हाइड्रोग्राफ। ठीक है, एक हाइड्रोग्राफ भी निकला उससे, ऑफ द फ्लो ऑफ द कैचमेंट इफ द बेस आउटलेट ऑफ द कैचमेंट इफ द बेस फ्लो इज 5 m³/s, बेस फ्लो भी गिवन है। ठीक है, एस्टिमेट द रेनफॉल एक्सिस एंड फाई इंडेक्स। ठीक है, अब ये टेबल में दिया हुआ है, इसको टेबल में ही हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो
पहला टेबल बनाते हम, है ना। ये तो गिवन है आपको, 5, 13, 26, 21, 16, 12, 9, 7 और 5, ये तो गिवन है आपको, है ना। ये क्या है? फ्लड हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज। आपको क्या निकालना है? रेनफॉल एक्सिस। रेनफॉल एक्सिस किसका नाम है? रेनफॉल डेप्थ, सॉरी रन ऑफ डेप्थ का नाम है क्या? रेनफॉल एक्सिस बताया था मैंने, एंड फाई इंडेक्स। तो हमको डेप्थ निकालना है, रन ऑफ डेप्थ। रन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ अपॉन कैचमेंट एरिया, बताया था आपको। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ डीआरएच। तो डीआरएच के ऑर्डिनेट्स चाहिए हमको, है ना। आपको गिवन है बेस फ्लो कितना है? 5 है ना। कांस्टेंट बेस फ्लो है कितना? 5 m³/s। तो आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ का भी ऑर्डिनेट्स गिवन है और बेस फ्लो भी गिवन है। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ डीआरएच निकाल लोगे आप सिंपल। क्या करेंगे हम? फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस दिस, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 21, ये आ जाएगा 16, ये आएगा 11, ये आएगा 7, ये आएगा 4, 2, 0। तो ये क्या बन गया? एक हाइड्रोग्राफ बन गया, सॉरी क्या बन गया? एक डीआरएच बन गया। कैसा था डीआरएच? 0 से शुरू होके 0 पे खत्म हुआ है, देखेंगे, है ना। 0 से शुरू होके 0 पे खत्म हुआ है, कोई बेस फ्लो नहीं है, बेस फ्लो हमने माइनस कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? डीआरएच। अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डिनेट्स, एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, है ना, क्या था? एरिया ऑफ डीआरएच, एरिया ऑफ डीआरएच इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू डेल्टी, है ना। हमने बोला था समीशन ऑफ, सॉरी, समीशन ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू डेल टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सारे डीआरएच के ऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? डेल टी। डेल टी मतलब इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है? 6 आवर्स है, और ये किस में है? सेकेंड में। तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डीआरएच, है ना। एरिया ऑफ डीआरएच जो कि किसके बराबर होता था? वॉल्यूम ऑफ डीआरएच, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा? सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स, है ना, सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स। सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा? 0 + 8 + 11 + सॉरी 21 है ये, है ना, 8 + 21 + 16 + 11 + 7, 4 और 2, है ना, +7, 4 + 2, ठीक है, क्लियर है। इनटू मैं क्या करूंगा? इनटू कितना है? 6 × 60 × 60, ठीक है, 6 आवर्स है। ये सब किस में गिवन है? सेकेंड, m³/s में। तो उसको भी आपको, ये भी किस में होगा? m³/s। तो उसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना आ रहा है देख लेते हैं, या एरिया ऑफ डीआरएच, दोनों क्या होते हैं? बराबर, है ना। इतने बार बोल दिया हूं, अब गलती नहीं होना चाहिए। 16 + 11 + 2 + (x)/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 (
ये आएगा अराउंड 1.4904 इंटू 10 to the power 6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल गया है, मुझे क्या मिल चुका है, अब मुझे मिल गया है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, अब क्या निकालूंगा मैं, रन ऑफ डेप्थ। क्या फॉर्मूला था रन ऑफ डेप्थ का, रन ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ अपॉन कैचमेंट एरिया, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ
अपॉन कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1.4904 इंटू 10 to the power 6 अपॉन एरिया कितना है, एरिया है 27 किलोमीटर स्क्वायर। तो 27 इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 6, 10 to the power 6 कैंसल, क्या हो गया 1.4904 डिवाइडेड बाय 27, ये आ जाएगा 0.0552 मीटर। आगे डेप्थ अब हम इसको क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। चलिए रन ऑफ डेप्थ कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी 5.52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, है ना, या फाई इंडेक्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फाई इंडेक्स का, फाई इंडेक्स का फॉर्मूला होता है पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टी ई, है ना। तो पी कितना है, पी कितना है, हमारी बारिश कितनी हुई थी यहां पे देखेंगे, तो बारिश कितनी हुई थी, बारिश हुई थी 3.8 और 2.8, ठीक है। और ड्यूरेशन कितना लोगे, 2 consecutive 4 hour ड्यूरेशन, मतलब 8 hours लोगे, है ना। इधर देखो अब हम देखेंगे P आ जाएगा 3.8 प्लस 2.8, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस करेंगे जितना हमारा रन ऑफ आया था, ये तो प्रेसिपिटेशन दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 5.52 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, ठीक है। आप पूरे 48 आवर्स नहीं करोगे, बारिश कितने देर हुई थी, 4 आवर ना, 2 consecutive 4 hours ड्यूरेशन, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3.8 प्लस 2.8 माइनस 5.52 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा आपका 0.135 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके दोनों आंसर आ गए, फाई इंडेक्स भी आ गया, वो आ गया आपका कितना 0.135 सेंटीमीटर पर आवर या फिर 1.35 mm पर आवर, ये आ गया इन्फिल्ट्रेशन रेट। ये पूछा था आपको फाई इंडेक्स, और नेक्स्ट आप उसको पहले क्या पूछा था आपको, रेनफॉल एक्सिस, ठीक है। दोनों आंसर आ गए हमारे, चलिए क्या क्या पूछा था, फाई इंडेक्स और रेनफॉल एक्सिस, ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द फ्लड डाटा एंड द बेस फ्लो इन अ स्ट्रॉम आर एस्टिमेटेड फॉर द स्ट्रॉम फॉर अ स्ट्रॉम इन अ कैचमेंट एरिया ऑफ 600 किलोमीटर स्क्वायर, एस्टिमेट द रेनफॉल एक्सिस। यहां पे क्या निकालना है, सिर्फ रेनफॉल एक्सिस, ठीक है। सेम मेथड लगेगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी, ट्राई करेंगे, जिनको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है वो पॉज करके करेंगे, ठीक है, जिनको दिक्कत हो रही है वो साथ में बनाएंगे, ठीक है, इस बार क्लियर हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे हम DRH, अब अलग से कॉलम नहीं बना रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ। पहले क्या निकालोगे आप, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है, फ्लड हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज माइनस बेस फ्लो, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, 20 माइनस 20 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 63 माइनस 22, कितना है ये, 22 है, ठीक है, 22, 63 माइनस 22 करेंगे, 63 माइनस 22 41। नेक्स्ट 151 माइनस 25, ये आ जाएगा आपका 126, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 133 माइनस 28, ये आ जाएगा 105। नेक्स्ट 90 माइनस 28 62, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वेरिएबल है बेस फ्लो, तो उन्होंने वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। 63 माइनस 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 आ जाएगा, आई थिंक सो 37, ये हो जाएगा आपका 44 माइनस 23 21। नेक्स्ट 29 माइनस 21 8 0 0, तो DRH के ऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ DRH, ठीक है। एरिया ऑफ DRH का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स इनटू डेल्टी, ठीक है। तो कर लेंगे हम, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, रन ऑफ डेप्थ
इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, रन ऑफ डेप्थ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इंटू सी ए, है ना, अपॉन सी ए सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, डी आर एच का एरिया निकाल लेंगे। तो डी आर एच का एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स 41 प्लस 126 प्लस 105 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 21 प्लस 8 इंटू ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म कितना है, 9 डेज, है ना, 9 डेज, ठीक है, 9 डेज दिया हुआ है आपको, है ना, 0 1 2 3 4 5 8 9, है ना, 9। लेकिन यहां पे क्या आता है आपका, क्या आता है, टाइम इंटरवल। तो डेल्टी कितना है, 1 डे है सिर्फ, ठीक है। अब ये डे में है, इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में। तो क्या करोगे आप, इनटू 24, ठीक है, तो क्या हो गया, डे से आवर में हो गया कन्वर्ट, है ना, इनटू कर देंगे हम, सॉरी 24 इनटू 60 इनटू 60, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, या फिर बोल सकते हो आप एरिया ऑफ डी आर एच। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे हम कैचमेंट एरिया कितना है, 600, 600 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगी, रन ऑफ डेप्थ, ठीक है, 41 प्लस 126 प्लस 105 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 21 प्लस 8 इंटू इंटू करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका अराउंड 0.576। किस में आएगा, ये आ जाएगा मेरा मीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.76 सेंटीमीटर, एमएम में हो जाएगा 57.6 एमएम, ठीक है, क्लियर है। जिस यूनिट में आपको पूछे आप निकाल सकते हो, सिंपल था। चलिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रॉम ओवर अ कैचमेंट ऑफ एरिया 5 किलोमीटर स्क्वायर हैड अ ड्यूरेशन ऑफ 14 आवर्स, द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल ऑफ द स्ट्रॉम इज एज फॉलोस, ठीक है। तो मास कर्व क्या होता है, बताया था मैंने आपको पहले, मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इनटू टाइम का ग्राफ, ठीक है। मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इनटू टाइम का ग्राफ, है ना, दोनों के बीच का ग्राफ होता है जो। तो आपको टाइम दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल भी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द फाई इंडेक्स ऑफ द कैचमेंट, फाई इंडेक्स भी गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर पर आवर, डिटरमाइन द इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ एंड द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू स्ट्रॉम। दो चीज निकालनी है, एक क्या निकालना है आपको, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ बनाना है, ERH, ठीक है, और निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, आपको अगर ये टेबल बनाओगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखो क्यों, हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, मतलब क्या होता है, रन ऑफ, रन ऑफ निकालना है। तो क्या करोगे, प्रेसिपिटेशन माइनस फाई इंडेक्स, तब तो पता चलेगा कि हाँ हर घंटे में रन ऑफ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि इंटरवल कितना है, है ना, पहले हमने क्या लिख लिया, जो गिवन डाटा था टाइम, इंटरवल कितना आ रहा है सबके बीच में, सबके बीच में इंटरवल क्या आ रहा है, टू आवर्स, ठीक है, 2 आवर का इंटरवल है सबके बीच में, ठीक है। तो छोड़ देते हैं 0 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमको रेनफॉल भी एक्यूमुलेटेड दी हुई है, पता नहीं है कि हर 2 घंटे में रेनफॉल कितनी हो रही थी, तो उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ आ जाएगा 0.6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2.2, कैसे निकालोगे, 0.6 माइनस 2.8 कितना आएगा, 2.2। अब 2.8 माइनस 5.4 ये आ जाएगा आपका 2.4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4, 5.2 माइनस 6.6
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। नेक्स्ट देखते हैं ये कितना आएगा, 9.2 माइनस 7.5 कितना आ जाएगा, 1.7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितना आएगा, 0.4। ठीक है, अब हमको क्या पता फाई इंडेक्स कितना है हमारा, 0.4 सेंटीमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन 2-2 आवर्स का है। ठीक है, तो फाई इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 2 0.8 है ना, तो फाई इंडेक्स है 0.4 और डेल्टी है 2 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 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
0.8। चलो फाइन इंडेक्स भी मिल गया हमको, अब हम इफेक्टिव रेनफॉल निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, इसी को तो रन आउट बोलते हैं, है ना। तो कैसे करोगे आप, प्रेसिपिटेशन माइनस फाइन इंडेक्स क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। यहां पे क्या होगी, जीरो जीरो। यहां पे रन ऑफ होगा क्या, देखो बारिश हुई है 0.6 सेंटीमीटर लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी थी 0.8, तो यहां पे रन ऑफ होगा नहीं होगा, है ना, तो जीरो लिख देंगे हम। यहां पे रन ऑफ होगा, हाँ भाई यहां पे तो होगा क्योंकि बारिश ज्यादा है, फाइन इंडेक्स कम है, कितनी होगी, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1.4, ठीक है। यहां पे बारिश होगी, होगी क्योंकि बारिश ज्यादा है, फाइन इंडेक्स कम है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है। ये कितना होगा, 0.9 हो जाएगा, 0.9। और लास्ट में होगा क्या, रन ऑफ लास्ट में क्या है, 0.4 बारिश हुई है और 0.8 मेरा इन्फिल्ट्रेशन है, तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है और रेनफॉल कम है, तो यहाँ पे भी बारिश, यहाँ पे भी रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब मिल गया हमको, अब हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, इंटेंसिटी मतलब सेंटीमीटर पर आवर। ये रन ऑफ तो आपका क्या है, दो दो घंटे का है ना, है ना, हमको एक एक घंटे का चाहिए अगर, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये जीरो जीरो, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.05, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.45, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलो मिल गया हमको इतना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे निकालना क्या है हमको, एक तो बनाना है आपको इफेक्ट, डिटरमाइन इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, और निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। अब पहले निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर बताता हूँ। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे रन ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, इफेक्टिव रेनफॉल हाइटोग्राफ, तो ये हो जाएगा रन ऑफ की इंटेंसिटी, रन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। टाइम होगा आवर में, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर आवर में, ठीक है, चलो ठीक है। अब कैसे बनाओगे ग्राफ, देखो पहले घंटे कुछ हुआ है क्या, पहले घंटे, पहले दो घंटे तो नहीं हुआ है कुछ, है ना। चौथे से छठवें घंटे तक कितना हुआ है, 0.7, तो पहले दो हम छोड़ देंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, ये 0.7 से लेंगे और ये आपका, सॉरी ये आ जाएगा 0.7 से लेके 0.6 तक कितना रहा, ये रहेगा 0.7, ठीक है। ये कितना था, 0.7। नेक्स्ट कितना है, 6 से 8 0.8, ठीक है, 6 से 8 कितना है 0.8, तो हम इसको 0.8 कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, 0.8,
ये आ गया 6 से 8 तक 0.8, ठीक है, 6 से 8 तक कितना आ गया 0.8, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट कितना आ रहा है 0.3, ठीक है, ये हो गया 0.8, नेक्स्ट आएगा 0.3, तो 0.3 से लेंगे हम 0.3, ये हो गया 0.3, क्लियर है 0.3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है 0.05, है ना। तो क्या करोगे आप, 1 का आधा ले लोगे 0.05, और नेक्स्ट क्या है 0.45, तो 5 और 4 के बीच का यहां कहीं पे आएगा कुछ, है ना, तो यहां पे ले लेते हैं हम 0.45, ठीक है। आप इसको कॉपी में अच्छे से ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो, ठीक है, 0.05, ये हो गया 0.45, नेक्स्ट का क्या आएगा 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ निकालना है हमको, क्या करेंगे हम, कैचमेंट एरिया इनटू रन ऑफ डेप्थ। अब रन ऑफ डेप्थ गिवन है क्या, नहीं है, लेकिन मैंने बताया था अगर हम इसके एरिया को क्या कर देते हैं ऐड, है ना, एरिया ऑफ ERH विल रिप्रेजेंट व्हाट, एरिया ऑफ ERH क्या बताता है हमको, वो बताता है टोटल रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसके लिए हम करेंगे कैचमेंट एरिया इनटू रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो रन ऑफ डेप्थ कितनी है हमारी, सबको ऐड कर देंगे 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.05, या तो आप ऐसे कर लो या फिर इन सबको ऐड कर लो ऑटोमेटिक, है ना, या एक तरीका बता रहा हूँ 0.05 प्लस 0.45 इंटू 2 कर दो, या तो आप इंटेंसिटी को ऐड करके इंटू 2 कर दो या फिर ये सबको ऐड कर लो, बात एक ही है, एक ही चीज आएगी हमारी, ठीक है। इंटू क्या करोगे आप, टोटल इज मल्टीप्लाई विथ योर कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.05 प्लस 0.45 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया आपका 4.6 सेंटीमीटर इंटू कैचमेंट एरिया कितना आ रहा है, या तो आप सबको भी ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 4.6 ही आ जाएगा, ठीक है, बात तो एक ही है। एरिया कितना है हमारा, एरिया था 5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अराउंड 4.6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आ जाएगा हमारा 23 अपॉन 100 भी आएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना यूनिट्स का, क्यों आएगा अपॉन 100, क्योंकि ये किस में है, सेंटीमीटर में है ये सब, और ये किस में है आपका, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 23000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके दोनों आंसर आ गए, हमने ERH भी बना लिया, ठीक है, ERH कैसे बनाएंगे, टेबल की हेल्प से, ठीक है। क्या करोगे, पहले रेनफॉल डेप्थ निकालोगे, अगर एक्यूमुलेटेड में दिया हुआ है उससे माइनस करोगे इन्फिल्ट्रेशन, क्या आ जाएगा रन ऑफ, ये आ जाएगी रन ऑफ की इंटेंसिटी, फिर हम बना लेंगे इसका ग्राफ, और आखिरी में सबको ऐड करके कैचमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, क्लियर है।